हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेप टू ज्ञान के चैनल में। ऐसे तो आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि कभी जादुई ब्लैंकेट तो कभी घड़ी के यूज से गायब हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनविजिबल होना सिर्फ किसी मूवी तक ही सीमित नहीं रहा है तो गजब बेइज्जती है। अरे नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअल में गायब होने की बात कर रहा था। सन 2006 में सबसे पहले इनविजिबिलिटी क्लॉक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन पेंट्री द्वारा बनाया गया था। उन्होंने उस समय छोटे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर इसका परीक्षण किया और माइक्रोवेव रेडिएशन पर सफल रूप से प्रयोग किया, लेकिन उस समय के साथ साथ यह मटेरियल बेहतर होता गया और टू डायमेंशनल के साथ साथ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर भी वर्क करने लगा। माइक्रोवेव रेडिएशन वही रेडिएशन है जो आपके माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है। यह एक लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर आपको जानना है कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगला वीडियो इस पे मिल जाएगा। और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट कर दीजिए, बस वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इनविजिबिलिटी क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मेटा मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मेटा मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नेचर में नहीं पाए जाते। इनको इंजीनियर्स और साइंटिस्ट द्वारा मटेरियल के प्रॉपर्टीज में बदलाव करके बनाया जाता है। इन शॉर्ट, इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कोई मटेरियल सॉलिड है यानी ठोस है तो यह उसकी प्रॉपर्टी है, और उसके प्रॉपर्टी में बदलाव करके उसमें इलास्टिक बिहेवियर शो किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेटा मटेरियल्स के कुछ मटेरियल्स तो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आपका रिएक्शन यही होगा कि कौन सा गांजा फूंक के सस्ते नशे करके वीडियो बना रहा है। गांजा गांजा हाई डिग्री टेम्परेचर पर तो नॉर्मल मटेरियल भी इजिली मेल्ट हो जाता है। यहाँ तक कि टंगस्टन मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस तक होता है वो भी इतने हाई डिग्री टेम्परेचर पर आकर रो देता है। टंगस्टन वही मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये मेटल बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है। इंजीनियर्स कई तरह के मेटा मटेरियल्स डेवलप कर चुके हैं और मेटा मटेरियल्स के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ मेटा मटेरियल्स हाई डिग्री टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं और कुछ मेटा मटेरियल्स का प्रयोग इनविजिबिलिटी क्लॉक बनाने में किया जा रहा है। और यही मेटा मटेरियल्स लाइट रेडिएशन को बेंड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके साइंटिस्ट इनविजिबल होने की कल्पना करें जो कि सच होता दिखता जा रहा है। अब इनविजिबिलिटी क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे कोई मेटा मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट को इनविजिबल करने की क्षमता रख सकता है। कोई चीज कैसे गायब होगी यह जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई चीज हमें दिखती क्यों है। जब लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना में पड़ती है तब वो चीज हमें विजिबल होती है यानी दिखाई पड़ती है। क्या हो अगर लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकराने की जगह बेंड हो जाए और उस ऑब्जेक्ट के पीछे से निकले तब वह लाइट हमारी रेटिना पे पड़े? फैक्ट है कि वो चीज इनविजिबल हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इसमें लाइट रेस व्यक्ति के पीछे या आगे से न टकराकर ऊपर और साइड से बेंड होकर आंखों के रेटिना में पड़ रहा है, इसीलिए वह व्यक्ति हमें दिखाई ही नहीं देगा, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। मेटा मटेरियल्स को थिन और वजन में हल्का बनाया जाता है। मेटा मटेरियल्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो लाइट रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेंड कर सकते हैं। इस मटेरियल को ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द कवर कर दिया जाता है। जैसे ही लाइट रेडिएशन मेटा मटेरियल्स के अंदर एंटर करती है, इसकी अनोखी प्रॉपर्टी होने के कारण यह लाइट रेडिएशन को बेंड कर देती है। यह समझने के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे नदी में पड़ा विशाल पत्थर के आसपास पानी मुड़कर बह जाता है, उसी प्रकार लाइट रेडिएशन बेंड होकर ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाता है। मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, बस क्योंकि लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट या इंसान से नहीं टकरा रही इसलिए हमें वो दिखेगा भी नहीं। वास्तव में हमारे पास क्लॉकिंग डिवाइस तो है, लेकिन इसे छोटे स्तर पर ही परीक्षण में लाया गया है और इंसानों को इनविजिबल करने के लिए फिलहाल इतनी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं की गई है। अभी सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स को ही अदृश्य किया जा सका है। आशा है कि भविष्य में यह जल्द ही संभव होगा और छोटे ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ इंसानों को भी गायब करना और भी आसान होगा। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें और आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ कीजिए। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? रुको जरा, सब्र करो, एक ज़बरदस्त फैक्ट तो सुन के जाओ। क्या आप जानते हैं जुपिटर कभी भी सन का चक्कर नहीं लगाता है? एक्चुअली में जुपिटर और सन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है जिसे कहते हैं बेरिसेंटर। दोनों उसी का चक्कर लगाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज़्यादा होता है जिससे सेंटर ऑफ मास सन के बाहर की ओर आ जाता है, इसीलिए जुपिटर और सन दोनों कॉमन पॉइंट का चक्कर लगाते हैं जिसे कहते हैं बेरिसेंटर, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं।